हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे, क्या वाकई भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है? एक बार एक गांव में दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या वास्तविकता में भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है? तब दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है या बुरे लोगों की परीक्षा लेता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भगवान अच्छे काम में ज़रूर परीक्षा लेता है। जब आप जीवन में अच्छा काम करेंगे तो भगवान आपकी परीक्षा लेगा, जब आप जीवन में बुरे काम करेंगे तो भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेगा। तो वो इस बात को सुनकर थोड़ा सा समझा नहीं। तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए कहानी बताता है। तब उस कहानी में वो व्यक्ति ये कहता है कि एक बार एक गाँव में वहाँ के किसानों का जो फसल उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हुआ। तब वहाँ के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस मंदिर में एक बहुत ही शानदार मूर्ति को स्थापित करेंगे। जैसे ही मूर्ति स्थापित करने की वो बात करते हैं, वैसे ही वो एक मूर्तिकार की तलाश करते हैं। एक मूर्तिकार उनको मिल जाता है। मूर्तिकार इस बात के लिए हाँ कह देता है कि मैं इस मंदिर में बहुत ही भव्य और शानदार एक प्रतिमा को तैयार करूँगा। इसके लिए वो जंगल जाता है, बहुत सारे पत्थर लेकर आता है। जब वो पत्थर लेकर आता है तभी रास्ते में उसे एक और पत्थर देखने को मिलता है। वो पत्थर भी वो मूर्तिकार रख लेता है। जैसे ही घर आता है, घर आने के बाद अपने बहुत सारे औजार निकाल कर उन पत्थरों को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उन पर प्रहार करने लगता है। जैसे ही वो पहले पत्थर पर प्रहार करता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, उस पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर प्रहार मत करो। मूर्तिकार उस पर दोबारा से प्रहार करता है पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए। पत्थर से फिर आवाज़ आती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझ पर प्रहार मत करो। ये सुनकर मूर्तिकार उस पत्थर को उठाकर बाजू में रख देता है और जंगल से जो दूसरा पत्थर लाया था उसको उठाकर उससे भगवान की प्रतिमा बनाने लगता है। जैसे उसकी प्रतिमा बनाता है उससे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती और कम्प्लीटली भगवान की मूर्ति बन जाती है। जब भगवान की मूर्ति बन जाती है तब उसको भव्य मंदिर में स्थापित किया जाता है और स्थापित करने के बाद गांव के सारे लोग प्रसन्न होकर उसकी पूजा अर्चना दिन प्रतिदिन करते हैं। तभी वहां के पुजारी एक बात बोलते हैं कि इन भगवान की पूजा करने के लिए नारियल की जरूरत पड़ती है और नारियल फोड़ने के लिए यहाँ प्रत्येक श्रद्धालु आते हैं, तो एक व्यवस्था ऐसी भी की जाए, मूर्तिकार जी से उन्होंने कहा, कि जिस पर लोग पत्थर पर नारियल फोड़ सकें। तब मूर्तिकार ने कहा कि मेरे घर पर एक बहुत अच्छा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को हम यहाँ रख देते हैं जिस पर सारे लोग नारियल फोड़ सकेंगे। तो उसी पत्थर को उठाकर भगवान की मूर्ति के बाजू में नीचे रख दिया जाता है जिस पर प्रतिदिन लोग नारियल फोड़ते हैं, आते हैं, नारियल को उस पर मारते हैं और फोड़ कर भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो जो पत्थर, नारियल वाला पत्थर है जिस पर नारियल फोड़े जाते हैं, वो पत्थर भगवान के पत्थर से बोलता है कि भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि ये लोग मेरे ऊपर डेली इतने सारे नारियल फोड़ते हैं और मुझे डेली दो खोर दर्द देते हैं। भगवान वाला जो पत्थर है वो नारियल वाले पत्थर से कहता है कि भगवान इस संसार में हर एक व्यक्ति को मौका देता है, भगवान इस संसार में हर एक व्यक्ति को मौका देता है और मौके के साथ एक परिस्थिति भी देता है, और उस परिस्थिति को जो झेल लेता है, उस परिस्थिति को जो समझ लेता है, उस परिस्थिति में जो व्यक्ति शांत होता है और उस परिस्थिति में जो उस परीक्षा को व्यक्ति पास कर जाता है वो निश्चित तौर पर एक दिन सफल हो जाता है। मुझसे पहले भगवान बनने का मौका तुम्हारे पास आया था, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने उन दर्द उन दुखों को नहीं झेला और निश्चित तौर पर तुम्हें भगवान की प्रतिमा नहीं बनाया गया। उतना ही दर्द उतना ही प्रहार मेरे ऊपर भी किया गया, लेकिन मैं शांत रहा, मैंने उस परीक्षा को पास किया, उस परिस्थिति को एक्सपेंड किया और मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद मेरी कम्प्लीटली मूर्ति बन गई और मुझे भगवान की तरह स्थापित कर दिया गया। तो जी हाँ, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, हमें उनके ऊपर कोई बात कहना नहीं चाहिए, बल्कि हमें धैर्य का साथ रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक उस कंडीशन का सामना करना चाहिए और उसे एक एग्ज़ाम समझकर, उसे एक परीक्षा समझकर, उस
परिस्थिति को, उस परिस्थिति से हमें लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी, सफलता आपकी होगी। आप इस छोटे से मोटिवेशन सेशन से ये ज़रूर समझे होंगे कि जीवन में किस तरीके से बदलाव आता है और किन कंडीशन में हमें कैसे रहना चाहिए, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।